कर्ड राइस खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बहुत आसानी से ही बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चावल आपके पास है, वही चावल से आप कर्ड राइस बना सकते हैं। कर्ड राइस में इस्तेमाल करने के लिए मैंने 2 लाल मिर्च लिया है, कटे हुए हरी मिर्च लिया है, कटे हुए अदरक और दूध और ताजे दही लिया है, सरसों के दाना लिया है, नमक, घी और उड़द दाल लिया है। कर्ड राइस में पके हुए चावल का इस्तेमाल होता है। मैंने चावल को पका के ले लिया है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है, कटे हुए अदरक डाल दिया है। कर्ड राइस में हमेशा ताजे दही का इस्तेमाल होता है। ताजे दही से कर्ड राइस बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें छौंक लगाने के लिए मैंने कलछुल को गर्म होने के लिए पहले से चढ़ा के रखा था। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी जब पिघल जाए तब इसमें उड़द दाल डाल देंगे। देखिए, मैंने उड़द दाल डाल दिया है। उड़द दाल डालने से ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं। अब जब उड़द दाल अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें सरसों के दाना डाल देंगे। सरसों का दाना मैंने डाल दिया है। और जब ये भी कड़कने लगे तब इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। जब सूखी लाल मिर्च अच्छे से पक जाए तो इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये सारे चीज़ों से छौंक लगा देने से कर्ड राइस बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। सभी को अच्छी तरह से चम्मच से चलाकर पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब गैस को बंद कर देंगे। गैस को फ्लेम कभी नहीं बंद कर दिया है। अब इसे कुछ देर ठंडा कर लेंगे। गरम गरम इसे छौंक नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर ठंडा कर देंगे, उसके बाद छौंक लगाएंगे। मैंने छौंक लगा दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसे हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं और इसे मसल भी सकते हैं। मैंने चम्मच से ही इसे अच्छी तरह से मसल दिया है। मसल देने से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। अभी ये बहुत थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तब इसमें मैंने दूध ऐड किया है। इसमें ज़रूरत के अनुसार ही दूध डालेंगे। दूध डालकर के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध डालने के बाद भी इसे चम्मच से अच्छी तरह से मसल देंगे और मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। कर्ड राइस को आप कभी भी किसी भी समय बना कर खा सकते हैं। जब आपको मन करे खाने का तब आप बना कर खा सकते हैं। ये खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा, दही हमेशा ताज़ी होनी चाहिए। दही अगर खट्टा रहेगा तो कर्ड राइस खट्टा लगेगा खाने में। अब मैं इसके ऊपर कुछ गार्निश कर देती हूँ, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च से। आप इसमें धनिया पत्ते डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया पत्ते नहीं थे तो मैंने नहीं डाला है। कर्ड राइस के साथ आप अचार और पापड़ भी खा सकते हैं। अचार मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे कर्ड राइस के साथ अचार पसंद नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप डाल के खा सकते हैं। देखिए, कर्ड राइस बन करके तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे चैनल पे शेयर कीजिए। ये बहुत स्वादिष्ट बने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।